स्टैंड ऑफ योर द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ टूडे इज थर्टी जून टू थाउजेंड ट्वेंटी रेपिड जी के यदी क्वेश्चन के आंसर है मिस यूनिवर्स टाइटल फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी आंसर इज एंड्रिया मेजा फ्रॉम मैक्सिको डी आर डी ओ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बनाया है टू डी ऑक्सी डी ग्लूकोज मेडिसिन टू ट्रीट कोविड नाइन्टीन पेशेंट नोमैडलैंड को मिला है बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन ऑस्कर दिस ईयर वॉशिंगटन डीसी सी स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है खरीफ क्रॉप्स हैं ये पैडी सजमम तूर उरद, दीज आर खरीफ क्रॉप्स मोरक्को से था इब्न बतूता वो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक आज की सवाल है मोरमागांव पोर्ट ट्रस्ट इज़ अ पोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ किस राज्य में ये स्थित है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज इन विच स्टेट डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नीति आयोग के चेयरमैन कौन है एपेडा एपेडा में ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा हु हैज़ रिलीज एन ई बुकलेट टाइटल्ड ट्वेंटी रिफॉर्म्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी रिसेंटली हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यू एन जी ए यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली सो दिज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है कैलुमनी कैलुमनी का मतलब होता है एक फॉल्स अक्यूजेशन है ऑफ एन ऑफेंस वो फॉल्स है अक्यूजेशन दैट इज कैलुमनी एम्पेरिकल जोग्राफी में हम पढ़ते हैं ना एम्पेरिकल फॉर्मूला है या फिर वो थियोरेटिकल है एम्पेरिकल मतलब होता है डिराइव फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन रादर देन थ्योरी तो ऑन फील्ड जाके अगर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो दैट इज एम्पेरिकल जोग्राफी कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है मेक सेंस ऑफ अजाइन अ मीनिंग टू इंसर्जेंट इंसर्जेंट मतलब जो सिविल अथॉरिटी है गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अपोजिशन हो रहा है दैट इज इंसर्जेंट इनसर्जेंसी इन अपोजिशन टू अ सिविल अथॉरिटी और गवर्नमेंट

ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है डी क्लासीफिकेशन नई डी क्लासीफिकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने हामी भर दी है केसेज लाइक नाइनटीन सिक्सटी टू वॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार लेटेसी ब्रीच एक्सपोजेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डेटा टू हैकर्स ऑपरेशन ओलिविया है यहाँ टॉर्टोइज़ और टर्टल और टर्टल में भी इन पर्टिकुलर ऑलिव रिडली टर्टल गहिर माता एंड ऋषिकुलिया विल गेट टू नो इनका स्टेटस क्या है कंजर्वेशन में क्या एफर्ट्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट साइट्स एट्सट्रा ये पोवई लेक है मुंबई फ्लड्स ये नए कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर्स लिए हैं एलएससी एक्शन चाइना का जी सेवन लीडर्स ने ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स एंड स्ट्रैटेजीज बताई है जी सेवन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वर्ल्ड के टॉप वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज के लीडर्स का समिट है आज संडे है एडिटोरियल नहीं आते हैं आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन स्नैपशॉट्स देखेंगे बिटकॉइन का जो पुश है इसमें हमें क्विक ग्लैंस देखेंगे देन रिवाइविंग द स्पिरिट ऑफ मल्टी वॉर हिस्ट्री क्यों इतना इम्पोर्टेंट होती है देन विल टॉक अबाउट दिस सब्सिडीज टू स्पर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड हिंदी में आज हम जानते हैं कि घड़ियाल क्या होता है एलिगेटर क्या होता है और क्रोकोडाइल मगरमच्छ क्या होता है और घड़ियाल के बारे में इन पर्टिकुलर विल गेट टू नो दिस इज सी सेट सोलूशन इन सर्टन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटीरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सो ये द हिंदू है संडे एडिशन फर्स्ट न्यूज़ है जीएसटी ब्रॉड डाउन मतलब नीचे लाई गई रेट कोविड रिलीफ गुड्स में पांच परसेंट तक आ गई है कुछ में तो नील हो गई है जैसे पहले बारह थी 5 बारह 5 अट्ठारह से 5 अट्ठाईस से ट्वेल्व और इन सम देर इज निल कोई भी कोई भी वहाँ पे जीएसटी का रेट नहीं लगेगा ये जो न्यूज़ है ना अब इस न्यूज़ को भी हमने डे वन से पढ़ा है जब डिमांड आई कि क्यों ना जीएसटी जो कोविड रिलेटेड रिलीफ मटेरियल में उसको ऑफ़ कर दें इससे थोड़ी प्राइस भी ड्रॉप होगी स्टेट्स को भी हेल्प होगा एवरीबॉडी विल गेट बेनिफिटेड तो ये जब न्यूज़ आई थी तब बात हुआ जी काउंसिल में कि जून एट्थ तक एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे वो रिकमेंड करेंगे कि किन इंडिविजुअल आइटम में टैक्स कट किया जाए और किस में कंटिन्यू एज इट इज़ रखा जाए तो ये बात था पिछले बार जब जीएसटी काउंसिल हुई जीएसटी काउंसिल मतलब आर्टिकल ए जीएसटी जीएसटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमें GST के बेसिक्स पता होना चाहिए जैसे 101 ए है फर्स्ट जुलाई 2017 में है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फर्स्ट जुलाई को ये आया था ये इनडायरेक्ट टैक्स है कंजम्पशन टैक्स है कॉम्प्रिहेंसिव है सब्ज्यूम्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस मल्टी स्टेज है स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है डेस्टिनेशन बेस्ड है मतलब पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे इसकी ये पांच स्लैब है जीरो पांच बारह अट्ठारह अट्ठाईस तो अभी आपने देखा ना बारह से पांच पे कर दिया गया अट्ठारह से पांच पे कर दिया गया और कुछ को जीरो पे कर दिया पेट्रोलियम अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कवर्ड नहीं है जीएसटी काउंसिल आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए आर्टिकल टू ए के अंदर जी काउंसिल है सी द रीज़न आई कीप ऑन टेलिंग सच थिंग इज दैट बिकॉज जो रियल एग्जाम होता है ना वहाँ केवल यही चीज़ काम आती है जी में जनरल स्टडीज़ की बात करें तो मेरे हमेशा बहुत अच्छे नंबर आए वन टू थ्री फोर में टॉपर्स मार्क्स आए रीज़न मीन कि ये टैंपलेट्स मेरे रेडी रहते हैं हर टॉपिक के बारे में जैसे जी टॉपिक आया तो मेरे को ये दस पंद्रह बातें एकदम टिप्स पे याद है तो सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में दीज फाइव टेन पॉइंट्स अगर आपके प्रिपेर्ड हैं तो आप ना तुरंत जल्दी जल्दी उसको लिख पाओगे अदरवाइज़ ये स्ट्रैटेजी होती है ना कि हम बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ें जैसे जी एस टी में ही हमने पी एच डी कर लिया वी गेट टू नो लाइक एवरी थिंग अबाउट जी एस टी बट इसमें टाइम कितना लगेगा इसमें एफ़र्ट कितना लगेगा और क्या इस टाइम और एफ़र्ट में जिसमें केवल एक टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो इस टाइम और एफर्ट में आप 10 दूसरे टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो और वो भी सफिशिएंट डेप्थ के ये जो स्ट्रेटजी होगी ना ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगी तो हमें रेंज भी होनी चाहिए और एक सर्टेन डिग्री ऑफ डेप्थ भी होना चाहिए दिस स्ट्रैटजी एक्चुअली वर्क्स जो रियल एग्जाम होता है ना उसमें ये स्ट्रैटी वर्क करती है वरना स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो कुछ टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड स्पेंड सो मच ऑफ टाइम और एग्ज़ाम में वो सवाल आता है दस नंबर का और वो दस नंबर में भी कई बार हालत ऐसे बनते हैं कि आपको मुश्किल से पाँच या सात मिनट बचे हैं और उसी में वो दस नंबर का सवाल अटैम्प्ट करना है अब आप इसमें क्या तो भी लिख पाओगे आप ये सब चीज़ें लिख पाओगे जो आपको टिप्स में तुरंत याद है फटाफट पेन चलेगा एंड यू विल बी एबल टू राइट अदरवाइज डिफरेंस यही हो जाता है कि हम पढ़ते हैं तैयारी करते हैं वो अलग टाइप की होती है और एग्जाम में जो लिखना होता है ज़रूरत होता है वो अलग टाइप की होती है इन दोनों में वेज होता है तो दिस इज़ द प्राइमरी रीजन आई कीप गिविंग यू क्वेश्चन ताकि आप इम लिखना सीखो रियल एग्जाम में यही एक चीज़ काम आती है सो so, प्रिपेयर आगे हम एक सवाल भी देखेंगे प्रिपेयर दिस तो हमें ऐसे टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अब अपसी अब जैसे जीएसटी है और न्यूज़ भी ना जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है ना वैसे वैसे उसमें अंडरस्टैंडिंग करनी है ये नहीं कि स्टैंड अलोन में हमने एक ही जगह एक ही बार में सब कुछ समझने की कोशिश किया बिकॉज उसमें फिर कंप्लीट व्यू नहीं आता है डिस्टॉर्शन होती है ऐसे ही एन बुक्स जो आप पढ़ते हो ना उसको स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ो बुक से पढ़ो एन के कोई शॉर्टकट्स नहीं है एन के कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है ये पूरी किताब ही शॉर्ट नोट्स है लक्ष्मीकांत इट्सल्फ इज अ शॉर्ट नोट डो नॉट गो फॉर दिसरी एंड शॉर्टकट रीड फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स ओरिजिनल सोर्स ये बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा आपके लिए गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स है Council Saturday को मिला टैक्सलि जुमाब और यह है एम्फोटो एम्फोटे बी इन दोनों के लिए जीरो परसेंट कर दिया गया है सी जैसे इंडियन एक्सप्रेस का इन्फोग्राफिक है काफी अच्छा है इस मेडिसिन को निल हो गया है देन एंटी कॉग्युलेंट तो ये कुछ नाम है इनको जीरो कर दिया गया है सो दिस इज़ जी एस टी कट फाइनेंस मिनिस्टर मैडम का ये स्टेटमेंट है कि वॉट एवर वैक्सिन द सेंटर इज बइंग इट विल पे जी एस टी बट वेन पीपल आर गेटिंग इट फ्री एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे विल नॉट फेस एनी जी एस टी इम्पैक्ट जी एस टी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसमें ना एक डिबेट ये चल रहा था कि जैसे जी एस टी अगर हम ऑफ करेंगे तो इसके रिप्रकशंस भी हो सकते हैं कि हम अननेसेसरी जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो ये जो टैक्स है वो एक गवर्नमेंट हेड से दूसरे गवर्नमेंट हेड ही जा रहा है बिकॉज सारी मेडिसिन सप्लाईज़ वगैरह तो गवर्नमेंट ही ले रही है तो क्यों ना जी एस टी एज इट इज़ रखें प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट नहीं करें बट यहाँ पे ये यह स्टेटमेंट है कि कुछ जगह पे यहाँ पे मेडिसिन और इनका ऑफ़ दिया गया है तो एंड यूज़र को उससे थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है लेट एस सी अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है सेकेंड न्यूज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू डी क्लासीफिकेशन पॉलिसी गेट्स नोड हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि उसकी रियल इंफॉर्मेशन कभी बाहर आती नहीं है दैट इज़ बाय आई कीप ऑन सेइंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रुथ ट्रुथ क्या होता है ट्रुथ का बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं बहुत सारे यूजर्स हैं बहुत सारे वर्जन हैं जितने मुंह उतनी बातें तो ट्रुथ क्या है ट्रुत के अगर गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो भी इवेंट है जैसे एल में गलवान क्राइसिस हुआ अब हम लोग तो वहाँ पे थे नहीं एक्चुअल चीज़ क्या हुआ वो तो हमें पता नहीं तो तीन वर्जन होते हैं बेसिकली फर्स्ट वर्जन होता है फर्स्ट वर्जन होता है जो एक्चुअल में वहाँ पे हुआ ऑन ग्राउंड जो वहाँ पे हुआ ये वर्जन केवल उसी को पता होगा जो सोल्जर वहाँ पे एक्चुअली में फ़ाइट कर रहा है जो लीडर वहाँ पे ऑन ग्राउंड प्रेजेंट था ये चीज़ होती है फर्स्ट हैंड वर्जन सेकेंड हैंड वर्जन होता है जो गवर्नमेंट फिर रिलीज़ करती है गवर्नमेंट को भी कई बार डेटा सारा पता होता है बट वो पब्लिक बिगर पिक्चर को देखने के लिए पैनिक नहीं क्रिएट करना है या फिर मल्टीनेशनल चीज़ों को देखना है डिप्लोमेसी को देखना है तो फिर आते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो गवर्नमेंट देती है जैसे हम अक्सर बोलते हैं एम e. के स्टेटमेंट्स हमें फॉलो करना है तो ये चीज़ें फॉर्मल होती है फॉर्मल होती है एग्जाम में रिटर्न वर्बल हम ये जो सेकेंड वर्जन है ना फॉर्मल वर्जन इसको फॉलो करते हैं इसको रेफ़र करते हैं फर्स्ट नहीं सेकेंड और थर्ड वर्जन हो सकता है वो होता है पब्लिक परसेप्शन कि लोगों में क्या बात है रूमर्स क्या है अफवाहें क्या उड़ रही हैं ये सब चीज़ें तो हम थर्ड वर्जन भी बिलीव नहीं करते हैं फर्स्ट वर्जन हमको पता होता नहीं है वी गो फॉर दिस सेकेंड वर्जन जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टैंड होते हैं तो दिस इज़ अबाउट ट्रुथ एंड दिस इज़ अबाउट हिस्ट्री वट यू अंडरस्टैंड बाई हिस्ट्री हिस्ट्री इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ अग्रीमेंट्स जो हमने म्यूचुअली अग्री किया है फैक्ट्स एंड फिगर्स सब लोगों ने अग्रीमेंट दे दिया है दैट इज़ हिस्ट्री तो हिस्ट्री को लिखना पड़ता है जो लिखेगा जिस परसेप्शन से लिखेगा हिस्ट्री फिर आगे वैसे ही चल जाएगी हम पुराने रॉक एडिक्ट देखते हैं अशोकन के इन सब के तो हमें क्या पता वहाँ जो लिखा है वो एक्चुअल में वैसे ही होगा कई बार एग्जेजरेशन भी हो सकता है सो दिस इज़ हिस्ट्री अब केसेस हुए 1962 वॉर का ऑपरेशन ब्लू स्टार का तो ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन जो है इससे पब्लिक में ये बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर ऐसे लीक होती है तो सोसाइटी का अन टूवर्ड इम्पैक्ट भी आ सकता है अननेसेसरी हम पुरानी चीज़ों को फिर से निकाल के सोसाइटी में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं प्लस नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है तो इन सब चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया जाता है एक्चुअल न्यूज़ कभी बाहर आएगी नहीं वॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार बट अब एक बात है कि राइट टू नो लोगों को अधिकार है चीज़ों के बारे में जानने का हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें पूरा अधिकार है कि हमारे देश में क्या हुआ हमें बताइए ट्रुथ बताइए तो इसीलिए डी क्लासीफाई करना जरूरी है पॉलिसी ऑन आर्काइविंग डी क्लासीफिकेशन कंपाइलेशन पब्लिकेशन ऑफ वॉर ऑपरेशन हिस्ट्रीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे केस बाय केस में कमिटी के क्लैरिफिकेशन के बाद यहाँ पर यह डिसीजन लेने का अभी डिसाइड हुआ है ऑर्डिनरीली तो जो डी क्लासीफिकेशन होता है ना उसका टाइम होता है ऐसे पच्चीस साल पच्चीस साल पुरानी न्यूज़ है इवेंट है तो उसको डी क्लासीफाई कर दो बट सेंसिटिव मैटर में केस बाय केस बेसिस पे अब चीज़ें डी क्लासीफाई की जाएगी ये अभी एक नया डेवलपमेंट है तो ये डेवलपमेंट इन अ वे गुड भी है बिकॉज इससे क्या होगा ट्रस्ट डेवलप होता है और एक्चुअल जो ट्रुथ है ना वो पता चलता है पब्लिक को तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहेगा होम अफेयर्स रहेगा एक्सटर्नल अफेयर्स रहेगा ऑर्गेनाइजेशन प्रोमिनेंट मिलिट्री हिस्टोरियंस रहेंगे ये सब मिलके अब सेंसिटिव एंड क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन को डी क्लासीफाई केस बाय केस करने की कोशिश करेंगे सो दिस इज अगेन अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन अब जो दूसरी न्यूज़ है वो है ब्रीच एक्सपोजेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डेटा टू हैकर अपसी अक्सर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो कई बार इतने वेल well ट्रेंड नहीं होते ऑफिस सरकारी ऑफिस में चलता है एटीट्यूड चल रहा है सरकारी कामों के लिए भी वो जी यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप में वो ऑफिशियल डेटा फाइल्स सेंड कर रहे हैं शेयर पूरा पूरा ऑफिस ही व्हाट्सएप पर चल रहा है तो दिस इज़ अ ह्यूज रिस्क हैकिंग का यहाँ पे डर है प्लस जैसे हमने हनी ट्रैपिंग कुछ ही दिन पहले पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अक्सर ऐसे टारगेट किया जाता है स्पेशली डिफेंस में तो द पॉइंट इज कि ये जो डेटा है ये कंटिन्यूसली लीक होता है अक्सर हम न्यूज देखते रहते हैं कि ये आईडी हैक हो गई वेबसाइट हैक हो गई एन की जी की तो जरूरी है हम कल्चर डेवलप करें सिक्योरिटी का अवेयरनेस करें ट्रेनिंग दें ये जरूरी है टू स्टॉप डेटा ब्रीच सी जो आई होता है ना आई में अगर आप डेटा सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट से बात करो जो सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी इधर एक्टिवली वर्क कर रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ जो सिक्योरिटी ब्रीच होते हैं ना उसके लिए टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबल नहीं होती उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कोई ह्यूमन बींग ये गलती करता है ह्यूमन बींग केयरलेस होता है प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता अपडेट्स नहीं करता तो जो मिस्टेक्स आती है ना वो ह्यूमन बींग से आती है कोई ऐसी ही लिंक क्लिक करेगा एट्सेट्रा और फिर सिस्टम पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बिकॉज आई में चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक तो हर स्टेक होल्डर को हर ऑफिसर को हर गवर्नमेंट एम्प्लॉज चाहे वो क्लास वन हो या फिर क्लास टू क्लास थ्री एवरीबडी एवरी लिंक शुड बी स्ट्रेंदन बिकॉज चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक लिंक को भी हमें स्ट्रेंथन करना है टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी यूजुअली पिटती नहीं है पिटते हैं ह्यूमंस। तो इनको ट्रेन करना एजुकेट करना जरूरी है अब आज एक ही सवाल है जीएस थ्री का है 2020 मेंस का डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट दिस मैनेस अब इसमें दो पार्ट है पहले तो बड़ा अच्छा सवाल है ऐसा सवाल मिस नहीं करना चाहिए बिकॉज ये अगर दस नंबर का है ना इसमें आप बहुत ईजिली छः सात नंबर तो बहुत ईजिली ला सकते हो सबसे पहले तो आप साइबर क्राइम क्या होता है ये बताओ साइबर क्राइम के डिफरेंट कैटेगरीज क्या हो सकते हैं आठ दस कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए साइबर क्राइम्स इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है मेजर्स तो ऐसा नहीं कि दस नंबर का सवाल है पूरा दस नंबर का जो डेढ़ सौ वर्ड्स हैं वो आपने सब साइबर क्राइम्स बताने में ही लिखती है कि एक एक चीज़ को डिटेल में बता रहे हो फिशिंग क्या होता है एट्सेट्रा नो यू हैव टू मेक अ बैलेंस 150 वर्ड्स हैं तो 75 वर्ड्स में आप बताओ साइबर क्राइम्स 75 अराउंड वर्ड्स में बताओ आप दिस मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट दिस मैनेस तो ये होगा आपका कंप्लीट आंसर एंड यू विल फेच बेटर मार्क्स ये सब्जेक्टिव है कुछ राइट right, रॉन्ग होता नहीं है जो भी लिखना है हमें वो सिलेबस के आसपास लिखना है और डू नॉट ट्राई टू बीट अराउंड द बुश इससे क्या होता है इम्प्रेशन खराब होता है कि आप मतलब यू आर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट बनता है सीधा सीधा आप उसको लिखो बट अननेसेसरी थोड़ा बहुत चलता है बट अननेसेसरी बीटिंग अराउंड द बुश नहीं होना चाहिए इससे वर्बोसिटी आ जाती है ओके अब यहाँ जो हम प्रश्न तैयार कर रहे हैं इसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि हम इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लें कि आफ्टर फोर फाइव मंथ्स अगर आप इसके पास देखो तो आपके पास खुद के प्रिपेयर्ड नोट्स होने चाहिए सो so, इसको बड़े अच्छे से लिखिए आप रेफरेंस मटेरियल देख सकते हो इंटरनेट देख करो जीओवी की वेबसाइट देखो यू विल गेट वेरी गुड फॉर पॉइंट्स सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन आज का एक ही सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ये है ऑपरेशन ओलिविया टू द रेस्क्यू ऑफ ऑलिव रेडली टर्टल तो ये न्यूज़ हो गया ये हो गया ये हो गया देन दिस इज अबाउट ऑपरेशन ओलिविया टू द रेस्क्यू ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टोर तो ये है टर्टल ये है टोर्टॉइज टॉर्टॉइज बेसिकली लैंड पे रहता है मोस्टली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लैंड को प्रेफर करता है जबकि जो टर्टल है वो वाटर को प्रेफर करता है अब जो प्राणी जो एनिमल वाटर को प्रेफर कर रहा है तो इसकी बॉडी का इवोल्यूशन भी वाटर के अकॉर्डिंग होगा स्ट्रीम लाइन होगी ज़्यादा इसकी जो शेल है लाइट होगी बिकॉज उसको स्विम करना है स्ट्रीम लाइन होगी तभी ये वाटर करेंट को ऐसे डिफीट कर पाएगा आगे बढ़ेगा फ्लिपर लाइक लेग्स होंगे ताकि स्विमिंग में इसको हेल्प है, हो वेब्ड फीट होंगे तो दिस इज टर्टल तो जो एनिमल जिस इकोलॉजी में रहता है ना उसकी बॉडी में इवोल्यूशन और मॉडिफिकेशन भी अकॉर्डिंगली होता है तो दिस इज मॉडिफिकेशन टर्टल में जो हुआ है बिकॉज ये वॉटर में है अब ये टॉर्टोइज है टॉर्टोइज रहता है लैंड पे तो इसको शॉर्ट स्टडी फीट चाहिए चलने के लिए बेंट लेग्स चाहिए इसकी जो शेल है वो ऐसे डोम्ड होती है और हैवी होती है ताकि दूसरे एनिमल्स के अटैक से इसको बचा पाए और इसको स्विम भी नहीं करना है तो दिस इज टॉर्टोइज तो टॉर्टोइज ह्यूज भी हो जाते हैं टर्टल यूजली स्मॉलर होते हैं सो so, टॉर्टोइज एंड टर्टल अब बात करते हैं ऑलिव रिडली टर्टल ऑलिव रिडली टर्टल जैसे एम ओ ये के स्क्रीन शॉट्स हैं काफी अच्छे ऐसे इन्फोग्राफिक्स वो देता है ये ऑलिव रिडली सी टर्टल है अब सी वेबड है शेल्स की स्ट्रीम है तो ये क्या हुआ टर्टल हुआ ये है गहिर माथा बीच उड़ीसा इंडिया में हमने लाल सूची पढ़ा था रेडलेस्ट आई सी में ये आता है वल्नरेबल मतलब थ्रेटन है ये जर क्रिटिकली वाइल्ड एंड एक्सटिंट ये क्लासिफिकेशन है रेड लिस्ट में तो रेडली टर्टल आता है में, गहिर माता बीच में अब हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड है कुछ ही दिन पहले हमने इंडियन कोस्ट गार्ड भी पढ़ा है इंडियन कोस्ट गार्ड है ये ऑपरेशन लगाते हैं अर्ली नाइनटीन से चल रहा है ऑलिव रिडली टर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए बिकॉज ऑलिव रिडली टर्टल नेस्टिंग ऑफ देयर एग्स के लिए आते हैं बीच में रहते समुद्र में बट जब नेस्ट एग्स देने तो ये आ जाएंगे बीच में और बीच में आते ही एक्सपोज हो जाते हैं और इनकी कैजुअलिटीज होती है तो कंजर्वेशन जरूरी है प्रोटेक्ट ऑलिव रिडली टर्टल एज दे कॉन्ग्रीगेट अलोंग द ओडिशा कोस्ट फॉर ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर मास नेस्टिंग होती है इसको बोला जाता है अरी बाटास गहिर माता और ऋषिकुलिया में अब ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं इनके पास पेट्रोल वेसल है एयर कुशन वेसल है इंटरसेप्टर क्राफ्ट है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी है ताकि जो लॉ है वो इसको एनफोर्स करा पाए रुक्रीज़ में जहाँ पे ये ऑलिव रिडली टर्टल्स आए हैं अब शेड्यूल वन जो है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1972 और अपेंडिक्स वन है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा साइट्स ये दोनों बोलते हैं कि इन टर्टल का स्मगलिंग एंड ट्रेड नहीं होने देंगे टर्टल की और टोटोइ की ही बात करें तो इंडिया में पांच सी टर्टल स्पीशीज हैं एक है लॉगर हेड सी टर्टल ग्रीन सी टर्टल हॉक्स बिल सी टर्टल ऑलिव रिडली सी टर्टल और लेदर बैग सी टर्टल ये इंडियन कोस्टलाइन में मिलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलते हैं ये सारी स्पीशीज हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल वन में है मतलब इनका हंटिंग पोचिंग ट्रेडिंग कुछ भी करना कानूनन अपराध है जेल हो जाएगा सो दिस इज द थिंग तो टॉर्टोइज़ टर्टल हो गया अब ये एक उड़ीसा का मेरीन फिशरीज एक्ट भी है ये एम्पावर करता है कोस्ट गार्ड को कि वो इन नियम का पालन करें ट्रेड को प्रोहिबिट करे यहाँ क्या होता है जब ये ट्रेड जब ये रिडली टर्टल समुद्र से लैंड पे आते हैं तो अक्सर इनका प्रडेशन होता है जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो इनको हार्म पहुंचाते हैं वाइल्ड एनिमल्स इनडिसक्रिमिनेट फिशिंग होती है ट्रॉलर्स गिल इनके फंस जाते हैं और कैजुअल्टी होती है बीच में सॉइल इरोजन भी होता है सो दैट इज़ बाई ये जो एंटायर नेस्टिंग प्रोसेस है जब सी टर्टल यहाँ पे आ रहे हैं नेस्टिंग के लिए और फिर वापस जा रहे हैं इस पूरे को स्ट्रीमलाइन एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स डालना जरूरी है और उसके लिए है ये ऑपरेशन ओलिविया ओके सो दिस इज दिस टॉपिक अब आगे बढ़ते हैं दिस इज टेल्स ऑफ हॉरर अप्रैल मई मंथ बहुत डिफिकल्ट थे देन दिस इज ऑक्सीजन प्लांट्स एट नाइन हॉस्पिटल्स होंगे लर्निंग फ्रॉम लेसन लेसन लर्न कर रहे हैं फ्रॉम मिस्टेक्स दिस इज पैकेज कोविड नाइनटीन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज और ये बात है अपील सीबीआई का रोज़वुड फैलिंग इन केरला रोज़वुड ये जो हार्ड वुड्स होती है ना ये ट्रॉपिक्स के पास आती है जैसे एक बार सवाल आया था कि हम अगर साउथ से ऐसे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो कौन सा हमें ट्री मिलेगा सबसे ज़्यादा सैंडल वुड टाइप इस टाइप के किस टाइप के वुड्स एंड दिस जो प्लांट्स हैं ट्रीज़ हैं उनका पैटर्न क्या होगा बिकॉज अगेन जैसे जैसे हम ट्रॉपिक्स मतलब इक्वेटर से ऊपर बढ़ रहे हैं नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ तो जो प्लांट्स हैं ना उनका नेचर भी चेंज होने लग जाता है जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैनोपीज़ वगैरह आ जाएगी डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे जो वेजिटेशन है वो चेंज हो जाता है तो ये रोज़वुड है ये साउथ केरला का है पोवई लेक ओवरफ्लोज ड्यू टू तो हैवी रेन्स कली हमने देखा ये जो लेक्स होती है ना ये एज अ बफर काम करती है खूब सारा पानी आया तो ये इसको थोड़े टाइम तक अपने अंदर संभालेगी तो आगे फ्लड लाइट सिचुएशंस नहीं डेवलप होगी पोवई लेक प्रॉब्लम ये हो रही है कि लेक्स आर डाइंग एनक्रोचमेंट हो रहा है ह्यूमन एनक्रोचमेंट एंड पॉल्यूशन जैसे बेंगलुरु की लेक है अक्सर वहाँ पर दिस बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एंड दिस देखने को मिलता है फेसिंग नेचर्स फ्यूरी दैन ये कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया है लीकॉप्टर एच ए एल सप्लाई करेगा सिक्सटीन चौपर्स बाय मिड नेक्स्ट ईयर ये मेरीन वर्जन है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स है इंडक्ट हुए हैं कोस्ट गार्ड में तो कोस्ट गार्ड इसको कैसे यूज करेगा रेस्क्यू रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन में लॉ एनफोर्समेंट में एटसेट्रा कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क थ्री डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड नो दिस इज गुड ये एक कोस्ट गार्ड की स्क्वाड्रन भुवनेश्वर पोरबंदर कोची और चेन्नई में डिप्लॉय होंगे देन देन एक्शन दिस दिस चाइना की आर्मी इज नेक्स्ट पेज ये बात है नो ट्रेड ऑफ बिटवीन लाइव एंड लाइवलीहुड लाइव्स भी जरूरी है और लाइवलीहुड भी जरूरी है इन द लॉन्ग रन प्लस जो इंडिया है ना ये बड़ा यूनिक है इंडिया को डायरेक्टली हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर नहीं कर सकते हमारे यहाँ पॉपुलेशन यूज है डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है सो डायरेक्ट कंपैरिज़न जो होता है वो अनफेयर होगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को अगर हम स्टैंड अलोन देखें तो कोविड नाइन्टीन से काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पे फाइट प्रेजेंट किया है बट वायरस के साथ ये है कि वायरस बहुत अनप्रडिक्टेबल है कोविड नाइन्टीन इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल डे वन से कोविड नाइन्टीन को फॉलो कर रहे हैं एंड वी हैव सीन की एक्सपर्ट्स आते हैं सुपर एक्सपर्ट्स आते हैं वो एक थ्योरी देते हैं दो महीने में वो थ्योरी फ्लॉप हो जाती है सो द पॉइंट इज अभी प्रडिक्शन करना डिफिकल्ट है राइट नाउ वी ओनली हैव वन ऑप्शन एंड दैट इज वैक्सीनेशन दिस इज दी ओनली ओनली टूल वी हैव टू फाइट विथ कोविड नाइन्टीन अब जैसे ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट बेनिफिशियल है ये भी प्रिलिमिनरी स्टडी है एक टाइम था जब ब्लड का ऐसे दिस कुछ मेडिसन्स आई थी यहाँ पे देन एक चीज़ ये भी हुआ था कि एंटीबॉडीज़ देना है जो लोग ट्रीट हो गए हैं उनके इसमें जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई है उसको हम दूसरे पेशेंट में दें ऐसे करके बहुत सारी थ्योरीज आई बट अभी तक ये कंप्लीट मास स्केल में वो फ्रूटफुल है या नहीं है ये अभी पता नहीं चला था सो द पॉइंट इज़ अभी एक नया है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट बेनिफिशियल है प्लाज्मा थेरेपी एक आई थी तो ये एक नई थेरेपी है क्लेम्स ऑफ कोविन हैकिंग एंड डेटा लीक बेसलेस है सेंटर ने कहा नंबर्स कम हो रहे हैं बट कोविड इज स्टिल देयर डू नॉट ड्रॉप द गार्ड्स कोवैक्सिन का भी फेज थ्री का ट्रायल डेटा अभी सून आ जाएगा ये पी एल ए है पी एल ए में भी मिस्टर शी जिनपिंग है ना इनकी पॉलिटिकल पोजिशन थोड़ी वीकन हो रही है तो अभी अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं पी एल ए कैंपेन हाईलाइट एल एस सी एक्शन तो यहाँ पे भी ये बात होती है नेशनलिस्ट स्पिरिट लो काराकोरम स्पिरिट इन्होंने नाम दे रखा है पी ने कि इसमें डिवोशन होगा बॉर्डर डिफेंस में हार्ड वर्क करना है सेल्फलेस डेडिकेशन करना है और टेनेसिटी दिखाना है तो ये वहाँ के ऐसे स्टेटमेंट्स हैं वहाँ के दिस फोकस करने के लिए फाइट रेडी रखने के लिए ये बोल रहे हैं पी की आर्मी को पी आर्मी पी की आर्मी है ना इनको पेपरलेस टाइगर भी बोलते हैं बिकॉज वॉर का लड़ने का इन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इनके इक्विपमेंट्स भी टेस्टेड नहीं है काराकोरम स्पिरिट फाइट रेडी हो सी ने मीन स्टेटमेंट दिया है चाइना इज द रियल थ्रेट हमारे सी ने स्टेटमेंट दिया है चाइना इज़ द रियल थ्रेट आई ऑल्सो कीप ऑन से हम ना फोकस चाइना में करें बिकॉज चाइना इज़ द रियल थ्रेट जो अपकमिंग टाइम्स में आने वाला है दिस इज़ द रियल डील G7 सेवन लीडर्स टेक ऑन दिस चाइना अगेन जी का भी क्लैशेज हो रहा है टेक ऑन चाइना कि स्टॉप करें नए पैंडमिक्स जैसे अभी बर्ड फ्लू का भी आ रहा है और चाइना के साथ बात यह है वो अब इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता वुहान में अगर कुछ केस में लेबोरेटरी एक्सीडेंट भी हुआ अगर चाइना क्विकली वर्ल्ड को इन्फॉर्म करता ना तो वायरस इतना फैलता नहीं बट चाइना ने बहुत टाइम तक वर्ल्ड को डार्क में रखा डब्ल्यू ने भी प्रोएक्टिवली यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर नहीं किया उसके कारण फिर वी आर नाउ पेइंग दिस प्राइस बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव जिसमें पूरे वर्ल्ड में ये इंफ्रास्ट्रक्चर और चाइनीज गुड्स एंड सप्लाईज को प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव में तो इसको भी चैलेंज करना ज़रूरी है अदरवाइज़ इसके जो फाइन डिटेल्स हैं वो पता नहीं है क्या ये एक ट्रैप होगा डेड ट्रैप में फंसाने की कोशिश है बिकॉज कंट्रीज़ के पास पैसा होता नहीं है वो किसी भी तरीके से पैसा चाहिए बट अगर चाइना लोन दे रहा है तो दिस लोन कम्स एट टर्म्स एंड कंडीशन कॉस्ट पे आता है इनकी सोवरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है पाकिस्तान आज की डेट में सोवेन कंट्री नहीं है पूरा ज़्यादा वो चाइना पर डिपेंडेंट हो गया है सेम इज़ हैपनिंग विद दिस ईरान श्रीलंका अभी बांग्लादेश को भी चाइना ने यहाँ पे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से थ्रेटन करने की कोशिश किया था बट बांग्लादेश ने बड़े स्ट्रिक्ट वर्ड्स में नो कहा तो दिस इज़ द थिंग द गेम प्लान ऑफ चाइना अब जी सेवन की मीटिंग में कुछ की वर्ड्स यूज़ हुए जैसे कि कलेक्टिवली कैटेलाइज करें दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कलेक्टिवली कैटेलाइज करें कोविड रिलेटेड फाइट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को वैल्यूज ड्रिवन हो हाई स्टैंडर्ड एंड ट्रांसपेरेंट हो ये अच्छे की वर्ड हैं वैल्यूज ड्रिवन हो हाई स्टैंडर्ड एंड ट्रांसपेरेंट हो बिल्ड बैक बेटर वर्ड बनाए और ये कार्बिस बेड डिक्लेरेशन है सीरीज ऑफ कमिटमेंट है टू कर्ब रोकना थामना फ्यूचर पैंडमिक आफ्टर कोविड नाइन्टीन बिकॉज कोविड नाइन्टीन इज नॉट द फर्स्ट कोविड नाइन्टीन इज डेफिनेटली नॉट द लास्ट पैंडमिक स्लैशिंग द टाइम टेकन टू डेवलप एंड लाइसेंस वैक्सीनेशन एक साल में वैक्सीनेशन बनी पर और जल्दी बनाए ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक ऑफ फ्यूचर डिसीज का अंडर हंड्रेड डेज में करें री करें ग्लोबल सर्विलांस नेटवर्क को तो ये जी सेवन के लीडर्स अभी मिले और इन्होंने यहाँ पे ऐसे बात किया दिस इज कार्बिस बे कॉर्नवॉल यूके में यहाँ ऐसे इनकी मीटिंग हुआ अब चाइना यूएस डिप्लोमेट भी क्लैश हो रहे हैं ओवर ह्यूमन राइट्स एंड पैंडमिक का ओरिजिन पैंडमिक आया कहाँ से पैंडमिक ओरिजिन वुहान लैब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने वॉर्न किया यू को पोस्ट ब्रेगजिट ट्रेड इन नॉर्दर्न आईलैंड अब आयरलैंड है ना ये आयरलैंड ग्रीन एमरलेट भी बोलते हैं इसे बहुत ग्रीन है ये ये जो आयरलैंड है इसके नॉर्दर्न जो पार्ट है वो यूके के साथ है और जो सदर्न पार्ट है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो इंडिपेंडेंट कंट्री अभी भी यूरोपियन यूनियन में है. और नॉर्दर्न आयरलैंड यहाँ से यूके से एग्जिट हो गया तो ये पूरी कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ दिस ब्रेग्जिट रियाद लिमिट करेगा हज टू सिक्सटी थाउजेंड वैक्सीनेटेड ओनली कोविड नाइन्टीन डिफिकल्ट टाइम्स सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट एम्बेसीज अफगान रिस्पॉन्सिबिलिटी अपसी रेस्पॉन्सिबिलिटी अफगान की बोल दिया तालिबान ने यहाँ पे भी लेटे सी क्या डेवलपमेंट होता है चाइना के ये रोमिंग जम्बूज हैं लॉन्ग ट्रैक कर रहे हैं घूम रहे हैं चाइना में जैसे ये जम्बू का केस है और इन जनरल हम एनिमल्स में भी देखते हैं जैसे टाइगर भी बहुत लॉन्ग रूट पे दिस घूमता है इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी टाइगर एनिमल की भी जम्बूज की भी और ह्यूमन बींग्स की भी कॉम्प्रोमाइज होती है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं तो इसीलिए एक्टिवली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर करता है श्रीलंका डैमेज के लिए इतना पैसा मांग रहा है यह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 25 परसेंट वैक्सीन फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल अब इस पे बात नहीं करना चाहिए लेटेस्ट वेट ट्वेंटी ऑफ जून ग्रेट एप्स इन पैरल ये बात है ये जो हम क्या है हम भी काइंड kind ऑफ of इसी का इवोल्यूशन है एनिमल मंकी एट्सट्रा तो ये जो है ना एप्स इनकी पॉपुलेशन श्रिंक होगी चिमपैनजी की बोनोबोज की गोरिल्ला की क्यों क्योंकि क्लाइमेट चेंज है लैंड यूज चेंज है इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन है एक ह्यूमन बीइंग के कारण बहुत सारी जो दूसरी स्पीशीज़ है ना वो अभी लूजिंग लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो रहा है ग्रेट एप्स इन पैरल ये आर एन ए है एंड दिस इज़ डी एन ए डी एन ए में जेनेटिक मटेरियल होता है आर एन ए काइंड ऑफ मैसेंजर होता है जो उसको ट्रांसपोर्टेशन डेडिकेटेड प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे करना है उसका वर्क करता है अब एक स्टडी ऐसा हुआ है कि ये रिवर्स भी चलता है आर एन ए का कुछ पार्ट डी एन ए में भी देखने को मिल सकता है आर एन ए इन टू डी एन ए ये क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन है डायनासोर्स थे एक टाइम पे बहुत डायनासोर्स थे दे वर ह्यूज पावरफुल बट दे आर नाउ गॉन दैट इज वाई सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट होता है और सबसे फिट वो होता है जो फ्लेक्सिबल होता है जो एडॉप्ट कर सके चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज से क्लाइमेट रिकन्स्ट्रक्शन तो ये भी एक थ्योरी आया है कि टेम्परेचर बढ़ गया था इसलिए ये डायनासोरस हैं एक्सटिंक्ट हो गए अब एक नया डायनासोर का फॉसल मिला है ये है दिस भारी भारीता लासूचुस तपानी ये अप्रोक्सीमेटली एडल्ट मेल लाइन के बराबर था अभी इसके कुछ पार्ट्स मिसिंग थे वो अभी मिल गए तो पूरा स्केलेटन बन गया है रिकंस्ट्रक्टेड फॉसल 240 फोर्टी मिलियन ईयर्स अगो ये डायनासोर थे अब जो नेक्स्ट है मॉलिकुलर व्यू है साज कोव टू का कोरोना वायरस नोवल कोरोना वायरस ये न्यूज हम देखते हैं दिस इज कोरल्स अंडर वाटर कोरल्स क्या होती है जिसे देखिए ये कितना कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये दिस इज सो कलरफुल सो कलरफुल और इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी बोलते हैं बिकॉज़ बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है यहाँ कोरल्स अंडर वाटर अभी लक्षद्वीप पड़ा था ना लक्षद्वीप भी कोरल टाइप ऑफ आइलैंड्स है वहाँ कोरल रीफ्स बहुत है इसीलिए लक्षद्वीप भी बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ का क्लाइमेट जो नेचर है उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था ये मैसेज था तो दिस इज कोरल्स अंडर वाटर अब कोरल्स में बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशन होता है एक होते हैं कोरल पॉलिप मतलब ये स्केलेटन जिन्होंने बताया बनाया है कैल्शियम स्केलेटन दूसरी होती है जूजेंथली ये एल्गी होती है जैसे ये कलरफुल एलगी दिख रही है ना ये जूजेंथली है तो जूजेंथली क्या करती है फूड प्रोवाइड करती है कोरल पॉलिप को और कोरल पॉलिप जूजेंथली को एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं तो विन विन हुआ इसका भी फ़ायदा इसका भी फायदा तो दिस इज सिम रिलेशन अब ये कलरफुल एलगी अगर बिकॉज क्लाइमेट चेंज के कारण डेड हो जाए तो इनका कलर भी चला जाएगा तो इसको बोलते हैं डिसकलरेशन ऑफ कोरल पॉलिप डिसकलरेशन ऑफ कोरल रीफ अगर डिसकलरेशन हो रहा है मतलब कोरल रीफ इज डाइंग एक बहुत बड़ी कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया के इधर यहाँ पे उसका नाम क्या है आंसर कोरल रीफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब एक थ्योरी ये आया कि कोरल रीफ में भी ना चेंजेस आते हैं कुछ कोरल रीफ्स हैं जैसे 2014-15 में देखा ब्राउन राइस कोरल थी हवाई में वो कम्प्लीटली ब्लीच हो गई ब्लीच मतलब कलर खोना डी कलर हो गई है डिसकलर हो गई है और जो ब्लू राइस कोरल थी वो तुरंत रिकवर हो गई ऐसा क्यों ब्लू कोरल थी अनफेक्ट रही एलिवेटेड ओशियन टेम्परेचर में कोरल रीफ्स की भी कुछ कंडीशन होती हैं कि कितने डेप्थ पे होना चाहिए कितना टेम्परेचर कि होना चाहिए एकदम फ्रेश वाटर भी नहीं आना चाहिए इस टाइप से तो ब्लू वाली थोड़ा ज़्यादा दिस क्लाइमेट प्रूफ रही टेम्परेचर प्रूफ रही रीज़न ये है कि जो एलगी जू जेंथली है यहाँ पे वो एक सनस्क्रीन टाइप ऑफ केमिकल निकालती है तो वो एक्सेस जो हीट है उससे कोरल को प्रोटेक्ट कर लेती है क्रोमो प्रोटीन, ये फिल्टर करता है यूवी रेडिएशन और इसी के कारण ये कोरल रीफ सर्वाइव्ड दिस इज़ द थिंग चेंजेस इन वैक्सीन पॉलिसी फॉर कोविड नाइन्टीन और ये नई गाइडलाइन है रेम डेसिवर एंड स्टेरॉइड्स का अब ये भी ना फुल प्रूफ नहीं है ट्रीटमेंट जो है ना कुछ केसेस में काम किया कुछ में नहीं किया रेम डेसिवर एंड स्टेरॉयड हम इसको क्विकली देखते हैं बिटकॉइन पुश का ऑल दो हमारी गवर्नमेंट ने इसे आउट मना कर दिया है तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ अब है नहीं आर बहुत अगेंस्ट है बिटकॉइंस और दिस टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी के बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा है बट क्रिप्टो करेंसी अगर हम देखें तो बिट कॉइन इज़ अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी कॉमोडिटी है हाईली वोलाटाइल है रिसेंट एग्जाम्पल जैसे बिट कॉइन और ये एलोन मस्क डोगे कॉइन को प्रमोट कर रहा है तो इससे क्या होता है फ्लक्चुएशन आता है मनी लॉन्ड्रिंग आती है इन यहाँ पे इनस्टेबिलिटी आती है तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करती एक्सेप्ट नहीं करती बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी बिकॉज यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ भी बहुत है स्कोप है इरेगुलरिटीज़ का ना हु इज़ एलॉन मस्क इन मस्क इज़ एन इंडिविजुअल वो कोई गवर्नमेंट तो है नहीं वो एक प्राइवेट कंपनी का ऑनर है प्राइवेट कंपनी मतलब कैपिटलिज्म मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो गवर्नमेंट तो है नहीं तो इज इज़ एन डेड रॉन्ग कि एक करेंसी को एक इंडिविजुअल पर्सन अपने ट्वीट करके उसको ऐसे स्विंग करा रहा है ये तो बहुत ज़्यादा रॉन्ग डूइंग भी हो सकती है बहुत ज़्यादा मेल प्रैक्टिस भी हो सकती है इस बात पे इंडियन गवर्नमेंट आर और जैसे दूसरे बॉडीज है वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं बिटकॉइन जैसी करेंसी है एथ्रियम टेदर बाइनेंस कॉइन ये सब बहुत सारे वर्जनज है क्रिप्टो करेंसी के क्रिप्टो करेंसी में बिल्ट होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक लेजर है सारी चीज़ें ओपन है उससे आप माइनिंग कर सकते हो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो लेजर में रिकॉर्ड होता जा रहा है बट सब क्रिप्टो है मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच की बात है जो एक्चुअल जो एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन होगा क्रिप्टो करेंसी अब इससे क्या होगा रेगुलेशन नहीं हो पाएगा मनी लॉन्ड्रिंग होगी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ये यूज़ हो सकता है तो दिस इज वाई क्रिप्टो करेंसी को यूजली कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक प्रमोट नहीं कर रहा है प्लस एनर्जी कंजम्पशन जो ये माइनिंग होती है अलग अलग कंप्यूटर से माइनिंग कर रहे हैं इसमें बहुत एनर्जी कंजम्पशन है इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है वोला है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है द पॉइंट इज़ इन फ्यूचर इन फ्यूचर डॉलर जैसी दूसरी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी चेंज करेगी रिप्लेस करेगी बट द टाइम हैज़ नॉट कम येट अभी ये इतना मेच्योर नहीं हुआ है अभी इतना अंडरस्टैंडिंग रूल्स नहीं डेवलप हुए हैं सो फॉर नाउ क्रिप्टो करेंसीज वी कैन से अड ऑफ टाइम है अब कुछ कंट्रीज होती हैं जो डॉलर को ही अपनी करेंसी भी बना लेती है यूएस डॉलर को तो यूएस डॉलर अगर फ्लक्चुएट हो रहा है यूएस पॉलिसी रिजर्व चेंज कर रहा है अपना वहाँ का सेंट्रल बैंक तो उस कंपनी की उस कंट्री की पॉलिसी भी चेंज होगी तो वो अगेंस्ट हो जाएगा उसकी सोवर्निटी में तो अल सलवाडोर में यही हो रहा था तो अल सलवाडोर इज़ प्लानिंग टू यूज़ क्रिप्टो करेंसी एज लीगल टेंडर और ड्रॉपिंग डॉलर ये एक न्यूज़ है लेट अस सी आगे क्या डेवलपमेंट होता है रिवाइविंग द स्पिरिट ऑफ मल्टी ये न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट जी सेवन जी सेवन इंपॉर्टेंट है ये टॉप इकोनॉमीज है नाइनटीन सेवेंटी फाइव में बना था ऑयल क्राइसिस के टाइम पे सेवेंटी परसेंट ऑफ वर्ल्ड जो जीडीपी है वो जी सेवन के थ्रू आती है आज की डेट में चालीस है बट चालीस भी बड़ा नंबर है सो जी सेवन इज इम्पोर्टेंट पहले ये G8 होता था रशिया भी था इसमें नाइनटीन नाइन्टी में आया बाद में रशिया को हटा दिया ये बात हुई थी 2014 में अब यही टाइम था जब क्रीमियन क्राइसिस एट्सेट्रा चल रहा था मेरा इंटरव्यू भी था मैंने उसको बहुत पीएचडी कर लिया इस रशिया के एन एक्सेशन ऑफ क्रीमिया में और ये सवाल ही नहीं पूछा इतने टाइम पे मैं दस और अच्छे सवाल प्रिपेयर कर सकता था एक रीजनेबल डेप्थ के सो दैट इज़ वाई आई कीप ऑन रेंज एंड डेप्थ होना जरूरी है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक एक्लेक्टिक प्लस एक सफिशियंट डेप्थ मतलब एट्टी परसेंट यू नो सफिशियंट डेप्थ फिर जो टॉपिक सस्टेन कर रहे हैं जिस पे कॉन्क्लूजिविटी आ रही है सिलेबस के आसपास हो रहे हैं अब उस टाइम पे ये एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं हमारे लिए बिकॉज वी वर नॉट इन्वॉल्व दैट मच एक्टिवली इन टू दिस सो द पॉइंट इज यू हैव टू बी केयरफुल करंट अफेयर्स में हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ड्वेल करना इज नॉट अ राइट स्ट्रेटजी इट इज़ लाइक अ शॉपिंग मॉल शॉपिंग मॉल में आप जाते हो ना आपको हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है ये भी ले लें ये भी ले लें पैसे हैं नहीं है यहाँ पैसे से मतलब है टाइम आपके पास टाइम है आप एक साल में ही क्वालिफाई करके एग्जाम निकालना चाहते हो पंचवर्षीय योजना तो है नहीं तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज सो मेनी थिंग्स यू हैव टू बी गो अलोंग विद सिलेबस सिलेबस में क्या लिखा है वो देखो सिलेबस में और सिलेबस में आईआर में क्लियरली लिखा हुआ है वो इवेंट्स इंपॉर्टेंट है या तो हमारे नेबर में है या फिर उससे एक डायरेक्ट क्लोज रिलेशन है इंडिया का दोज इवेंट्स आर ओनली इम्पोर्टेंट ओवर द ईयर द ग्रुप ऑफ अपूज जी सेवन में एंड इकोनॉमिक ग्रोथ टू एन्वायरमेंटल इशूज टेररिज्म तो ये भी स्प्रेड हो रहा है अपना नेचर चेंज कर रहा है जी सेवन जी सेवन इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच दिया है जी सेवन में इंडिया का भी इंक्लूजन करने की बात चल रही है तो फॉर नाउ जी सेवन इज इम्पोर्टेंट तो ये हुआ जी सेवन रिवाइज सब्सिडी ईवी डिमांड्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ये अब ब्यूरोक्रेट फॉर ऑल सीजन है यूपी चीफ सेक्रेटरी थे अब इलेक्शन कमिश्नर बने हैं फेम टू अब ये इंपॉर्टेंट है एनर्जी भी है क्लाइमेट चेंज भी है सिलेबस में भी है पेपर थ्री ई तो ईवी पॉलिसी के लिए लुक एट वीडियो ऑफ ट्वेल्थ मार्च यहाँ हमने पढ़ा था फेम टू स्कीम और फेम टू स्कीम का है शेड वन पीडीएफ डी एज वेल और यहाँ आपने एक प्रश्न भी तैयार किया था उस प्रश्न को रिवाइज करिए फेम टू देन दिस इज वाई वॉर हिस्ट्रीज मैटर ये आगे इंडियन एक्सप्रेस में सो दिस इज़ द हिंदू आज मैच है फाइनल लेटेसी जोकोविक और ये बात है दिस इंडियन एक्सप्रेस जी सेवन की मीट है वन वर्ड वन हेल्थ इज इम्पोर्टेंट टारगेटिंग ग्लोबल रोल दिस चाइना की अकाउंटेबिलिटी भी सेट करें ये फ्रंट पेज है द हिंदू का ये है दिस ब्लेज और

काउंटर रूमर्स रूमर्स को एंड करते हैं रिपोर्ट्स ऑफ वॉर एंड ऑपरेशन वर नेवर मेड पब्लिक बट अब पॉलिसी चेंज होगा इंफॉर्मेशन एज है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम खुद ही प्रोवाइड करें वरना पता है आजकल नया वॉरफेयर आ गया है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इंडियन गवर्नमेंट एक्टिवली अगर ट्रुथ नहीं बता रही है चीज़ों को नहीं बता रही है तो यहाँ क्या होता है जैसे पाकिस्तान में ट्रोल आर्मी चलती है ट्विटर की ये पूरा मीडिया को गैक करने की कोशिश करते हैं पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं सिमिलर इज़ विद दिस चाइना चाइना की भी एक डेडिकेटेड डिजिटल आर्मी है डिजिटल आर्मी का काम ही यही होता है पब्लिक परसेप्शन बनाना जो ट्रुथ नहीं है उसको बताएंगे फॉल्स न्यूज देंगे एटसेट्रा फेक परसेप्शन सो अभी एक नया बैटल आ गया है वॉर में जैसे पहले बैटल होती थी वैसा नहीं होता अभी जो बैटल हो रही है वो टेक्नोलॉजी की बैटल हो रही है परसेप्शन की बैटल हो रही है कि पीपल क्या सोच रहे हैं हार या जीत कौन है दैट इज डिफरेंट थिंग लोगों को क्या लग रहा है कि कौन हारा कौन जीता परसेप्शन बैटल तो इसलिए डी क्लासिफिकेशन जरूरी है ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है ये बड़ी स्कैरी न्यूज है चिल्ड्रन मेकअप फोर्टीन परसेंट ऑफ एक्टिव केसेज इन पुणे बी वेरी वेरी केयरफुल देन दिस इज रिस्पांसिबिलिटी ये है शॉर्ट स्टोरी अड्रेसिंग हेजिटेंसी मणिपुर में सी लोगों को ये लगता है कि अगर वैक्सीन लगाए तो एक दो दिन बुखार आएगा तो उनकी दिहाड़ी मजदूरी काम इम्पैक्ट होगा बट ये जरूरी है बिकॉज अगर ये नहीं लगाएंगे तो एक बहुत बड़ा कोविड नाइनटीन का थ्रेट है वो तो सारा गेम ओवर ही कर देगा सो इफ आई गेट फीवर गो गेट वैक्सीनेटेड और इफेक्ट्स भी इतने सीवियर नहीं आते हैं बहुत माइल्ड इफेक्ट आते हैं पैरासिटामोल एट्सट्रा यू विल बी ओके नथिंग टू वरी जैबिंग और ये बात है क्वीन एलिजाबेथ स्पीक्स टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड हिज वाइफ जिल बाइडन रिसेप्शन जी सेवन में सिक्सटी थाउजेंड का कैप होगा बाइडन प्लान बॉर्डर वॉल मनी पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है पीडीपी बिल अभी ये बिल है ना अभी इस पे थोड़ा डिटेल थोड़े दिन बाद देखते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 और क्या प्रपोज चेंजेस हैं? देन डब्ल्यू की ये हेड है, है इनका नाम याद रखना है एनगोजी देन मूविंग इवेलाड्स लाइफ इट्स लेसन इज हाउ नॉट टू बी सेंसिटिव टू पब्लिक ओपिनियन आर रॉक फॉर द प्रेसिडेंट एंड आउट ऑफ माउथ बीज अब हम आते हैं हिंदी आर्टिकल में देखिए ये तीन है ये घड़ियाल है घड़ियाल में ऐसे स्नाउट होता है यहाँ पे दिस टाइप होता है इसीलिए इसको घड़ियाल बोलते हैं ये घड़े टाइप है हिंदी में तो इसको घड़ियाल बोलते हैं ये सिंपल एलिगेटर है और ये है क्रोकोडॉयल मगरमच्छ घड़ियाल क्या होता है ये घड़ियाल होते हैं एशियाई मगरमच्छ है लंबे पतले थो आगे ऐसे स्नाउट है अलग आकृति का होता है तो ये सरीसरपों का एक समूह है घड़ियाल कैमन आदि सब इसमें शामिल है इंडिया में घड़ियाल की तीन प्रजातियां हैं घड़ियाल आयु की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकट ग्रस्त है खारे पानी के मगरमच्छ होते हैं आयु में ये कम चिंतनीय है साइट्स की लिस्ट वन में है वन्य जीवन संरक्षण नाइनटीन की भी लिस्ट वन में सूचीबद्ध है तो दिस इज दिस इज घड़ियाल एंड दिस इज मगरमच्छ एंड दिस इज घड़ियाल घड़ियाल ये मगरमच्छ की तीन प्रजातियां थी दिस वॉज मगरमच्छ घड़ियाल जो होता है ना ये फ्रेश वाटर में ज़्यादा मिलता है ताज़ा पानी जैसे यमुना रिवर में चंबल रिवर में मिलते हैं उत्तरी भाग में ताज़ा पानी चंबल नदी में ये काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं घाघरा गंडक गिरवा रामगंगा सोन नदी में भी घड़ियाल मिलते हैं जबकि जो सॉल्ट वाटर वाटर क्रोकोडाइल है भीतर कनिका के वो उड़ीसा सॉल्ट वाटर है वो क्रोकोडाइल है घड़ियाल होना मतलब इकोसिस्टम इज़ गुड लखनऊ में घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण भी है घड़ियाल इको पार्क है ये मध्य प्रदेश में जोखिम क्या हो रहा है कि प्रदूषण हो रहा है बांध बन रहे हैं मछली पकड़ना अवैध खनन रेत जो होता है अवैध खनन बालू का तो इनकी इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है और फिर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग जाती है तो घड़ियाल एलिगेटर क्रोकोडाइल घड़ियाल बेसिकली फ्रेश वॉटर में है चंबल सेंचुरी में बहुत है और क्रोकोडाइल में भीतर कनिका का, का नाम याद रखते हैं अंडमान एंड निकोबार में भी है ये ये सेट है एक सेलर है ओरिजिनली एक्स एप्पल थे तो उसने एक्स बेचे 40 परसेंट बेच दिए तो बचे कितने 60 परसेंट सिक्सटी परसेंट दिया है 420 तो एक्स हो गया 700 यूनिट डिजिट में वन और नाइन ऐसे कितने नंबर बनेंगे वन नाइन ऐसे करके आप नंबर बनाइए तो ऐसे फोर्टीन सच नंबर्स बन रहे हैं तो परसेंटेज कितना हो गया फोर्टीन अपॉन सेवेंटी हंड्रेड परसेंट इसमें ई इज़ ऑप्शन ए इज इक्वल टू बी ये चारों ऑप्शन नहीं बैठ रहे हैं एक्स परसेंट ऑफ वाई है मतलब एक्स अपॉन हंड्रेड वाई मतलब वाई अपॉन हंड्रेड एक्स मतलब वाई परसेंट ऑफ एक्स मतलब की बी तो ए इज इक्वल टू बी है एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड थ्री इयर्स अगो वाज ट्वेंटी सेवन ईयर इन ऑफ वाइफ एंड द चिल्ड्रन फाइव ईयर अगो वॉस्ट ट्वेंटी ईयर आपको बताना है प्रेजेंट एज हजबेंड की कितनी है एक कार ओनर है पेट्रोल यूरो साढ़े सात में खरीदा यूरो आठ यूरो साढ़े आठ पर लीटर में खरीदा तीन सक्सेसिव ईयर में सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक जैसे 2020, 21, बीस ऐसे सक्सेसिव। व्हाट अप्रोक्सीमेटली इज द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल अगर उसने यूरो चार हजार हर साल पे स्पेंड किया तो एवरेज कॉस्ट क्या है बताइए एवरेज वेट ऑफ ए बी सी है 45 किलो एवरेज वेट ऑफ ए बी चालीस किलो बी और सी का तिरालीस किलो तो बी का वेट कितना है आंसर सो आर थ्री क्वेश्चन ये सोलूशन है ये घड़ियाल एलिगेटर वॉर हिस्ट्री ईवी रिवाइज ट्वेल्थ ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बिटकॉइन का पुश है आर सम डायनासोर स्नैपशॉट स्टेटमेंट पी एल ए और पोवई लेक और ये है ऑपरेशन ओलिविया एंड आज हमें प्रिपेयर करना है साइबर क्राइम्स और इसको कैसे हम बैटल करें सो दिस इज ऑफ़ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ